गूगल एडसन पिन कितने दिनों में आता है? आपने गूगल एडसन पिन अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक आया नहीं है, या फिर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने डॉलर के बाद ये अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या एड्रेस डालते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इसमें व्यूज़ नहीं आना, मेरा जो कंटेंट है वो अलग है, लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आ रही थी कि सर गूगल एडसन पिन आपका कितने दिनों में आया था, और हमारे बहुत दिन हुआ लेकिन हमारा अभी तक नहीं आया, तो मैं व्यूज़ के लिए वर्क नहीं करता, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये इंफॉर्मेशन पता करते हैं कि गूगल एडसन पिन कितने दिनों में आता है, गाँव में कितने दिन में आता है, शहर में कितने दिन में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, यानी जब आपके 4000 घंटे का पोस्ट टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं, तो आप मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, उसको आप चैनल को मोनेटाइज कर लेते हो। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद जो टॉपिक आता है, जो सब कुछ छोड़ के अर्निंग का ऑप्शन आता है, वो आता है एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपकी जो यूट्यूब की वीडियोज़ रहती है, जो उसकी सारी वीडियोज़ की जो अर्निंग होती है, वो आपकी एडसेंस अकाउंट में ऐड होने लग जाती है। इसके बाद कितने डॉलर के बाद आप एडसेंस पिन जो आता है उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं किसी की वीडियो कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जैसे ही 1 डॉलर कम्प्लीट हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि अभी तो एडसेंस पिन नहीं आएगा, लेकिन मेरे जैसे ही 3 डॉलर कम्प्लीट हुए, या 3.5 के समथिंग मेरे डॉलर हुए थे, उसके बाद मेरे यूट्यूब पर जो नोटिफिकेशन आता है उस पर एक्शन बटन आ गया था। आपके पास जब जैसे ही एक्शन बटन आ जाए, चाहे भला आपके 1 डॉलर हो, 2, 10, 5, 20 कितने भी डॉलर हो, अगर आपके पास या आपके नोटिफिकेशन में एक्शन बटन आ जाता है, तो आप उस एक्शन बटन में जाकर आपके गूगल पिन को अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको फुल नाम, फुल एड्रेस और आपके अकाउंट में जो नाम है उसको ही डालना है, फुल मैचिंग करके, भला आप कितना भी टाइम ले लो, लेकिन जैसे ही मैचिंग हो जाए तो आपको ऐसे ही डालना है। अगर आपने अनमैच कर दिया, तो आपका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है और आपका जो एडसन पिन है, तो अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर आप ये आपके अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से आपका ये गूगल एडसन अकाउंट जो फॉर्म रहता है उसको फिल करना है। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद लोग बोलते हैं कि 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, लेकिन मैं एक गाँव में रहता हूँ, तो मेरे सिर्फ 7 दिनों में ये आ गया था, बहुत जल्दी। तो सोचो, शहर में तो मुश्किल से 4 या 5 दिन के अंदर ये आ जाता है। देखो, पोस्ट ऑफिस वाले 99% लोग इसको जानते ही नहीं कि ये होता क्या है, 1% लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो वो अगर आप 1% लोग आपके पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, तो फिर वो आपको ये रिसीव करा देंगे, नहीं तो आपके घर पर होम डिलीवरी नहीं होना, आपको खुद जाकर लेना पड़ेगी। तो 7 दिन के बाद आप आपके पोस्ट ऑफिस में जाएँ और वहाँ से इसको रिसीव कर लें। इसके बाद आपको ये 6 पिन डिजिट मिलेगा, 6 पिन जो आप गूगल एडसन पिन बनाते हो उसमें ये मांगता है, 6 डिजिट पिन। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये सिर्फ 3 ही बार ये 6 डिजिट पिन मांगता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम गलत कर दिया, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर गलत हो गया, तो ये एडसन पिन रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको दूसरा एडसन पिन डालना पड़ता है, यानी फिर मंगाना पड़ती है, पर आपको इतना ही टाइम लग जाता है। जैसे ही आप एडसेंस अकाउंट पिन डाल देते हो, वैसे ही आपका सारा काम हो जाता है, यूट्यूब वाला और एडसेंस अकाउंट वाला। फिर इसके बाद जो काम आता है, वो आता है कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो सबसे बढ़िया SBI का बैंक अकाउंट होता है, जो कि उसमें आपका बहुत ही कम टैक्स लगता है, जो भी आपकी अर्निंग होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप SBI वाला डालें, मेरे तो बहुत कम टैक्स लगते हैं, ना के बराबर ही लगते हैं, मुश्किल से 300-400 रुपये महीने के कटते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता, जो भी टैक्स आने जाना लगता है तो वो होता है। तो आप SBI का डालें, और जो आपने इस एडसेंस अकाउंट में आपका जो एड्रेस है, इसमें सब कुछ लिख रखा है, आपका एड्रेस, पिन नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस, सब कुछ लिख रखा है, वैसा का वैसा ही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। एक भी जो बटन रहता है ना, वो ABCD कुछ भी गलत सलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो अकाउंट रहता है ना, वो इसमें मैच नहीं होगा, तो आप फिर अकाउंट नंबर नहीं डाल सकते। तो मैंने ये वीडियो आपको बताया, आपको इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मैंने रिक्स पे काम किया, लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आती है, मैं उसके ऊपर 100% वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर ये जानना है कि गूगल एडसन पिन कैसे अप्लाई किया जाता है, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं रिक्स ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो फैमिली है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ।
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे चैटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू अगेन।